हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रतन सिंह पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर मोरारका कॉलेज झुंझुनू। आज अपन बात करेंगे, एमएससी फाइनल का एक पेपर है स्टैटिस्टिकल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का जनरल इंट्रोडक्शन आज अपन करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ बातें आएंगे जैसे माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, फेज स्पेस, फेज पॉइंट, थर्मोडाइनेमिकल प्रोबेबिलिटी, इनकी थोड़ा बहुत अपन स्टडी आज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं, फिर बाद में इनकी डेफिनेशन अपन बात करते हैं। देखो, माइक्रोस्टेट के अंदर तो आता है, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है आपका, ये मैंने क्या बता दिया, कोई सिस्टम है या फिर ये कोई सेल है। इस सेल के अंदर जैसे दो ही पॉइंट हैं या तीन ले लो अपने, ठीक बात ना। अब इनकी पोजीशन और अपने वेलोसिटी कंपोनेंट या वेलोसिटी कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है या फाइंड आउट जब आप करते हो तो ये कहलाती है माइक्रोस्टेट कहलाती है, ठीक बात ना। लेकिन जब गैसीय अवस्था में अगर मैं बात कर लेता हूँ, गैसीय अवस्था में बात कर लेता हूँ, तो इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल हो जाएंगे और प्रत्येक पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजिशन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कुछ मेजरेबल कंपोनेंट काम में लेते हैं या मेजरेबल पैरामीटर काम में लेते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, पी वी टी एस, ठीक बात ना। इसमें प्रत्येक पार्टिकल के बारे में स्टडी करना आवश्यक नहीं है, ठीक बात ना। तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी, मैं माइक्रोस्टेट की बात कर रहा हूँ, इट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्या बोला, या फिर यूँ बोलो, इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजिशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम कोऑर्डिनेट, देन इट इज नोन एज माइक्रोस्टेट। क्या कहा मैंने, देन इट इज नोन एज माइक्रोस्टेट, ठीक बात है ना। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लो पोजीशन और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट की मैंने बात की, वे कहलाते हैं माइक्रोस्टैटिक वेरिएबल कहलाते हैं, माइक्रोस्टैटिक पैरामीटर कहलाते हैं, वेरिएबल नहीं पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक बात है। इसके बाद में नंबर टू की जब बात करते हैं तो अपना आ गया मैक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट। तो देखो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, पहले वाले के अंदर तो क्या बात की थी कि स्टेट है वो डिफाइन किससे की जाती है, पोजीशन एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट के द्वारा डिफाइन की जाती है, तो माइक्रो स्टेट है। मैक्रो स्टेट के अंदर ऐसी बात नहीं है, मैक्रो स्टेट डिफाइन किससे की जाएगी, सम मेजरेबल वेरिएबल्स के द्वारा, सम मेजरेबल वेरिएबल्स के द्वारा, पैरामीटर्स के द्वारा डिफाइन की जाती है, ठीक बात ना। तो आप डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हो ये आप सुनोगे। देखो, इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई, इज सेम लाइन ऊपर बोली थी, इज रिप्रेजेंटेड बाई सम मेजरेबल पैरामीटर्स विच करेक्टराइज द सिस्टम इज नोन एज मैक्रो स्टेट, ठीक बात ना। एंड ये जो सम मेजरेबल पैरामीटर हैं, पी वी टी एस हैं, ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर कहलाते हैं। फिर बाद में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो बात ये करेंगे, ऑल द माइक्रोस्टेट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, यानी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट से बिलोंग करने वाली जितनी भी माइक्रोस्टेट हैं, उन सब के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समान होती है। इसको मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ, ऑल द माइक्रोस्टेट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट आर इक्वली प्रोबेबल हैं। नंबर टू जो है उसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जब आप किसी एक ही सेल के अंदर आप फेज पॉइंट्स को या पार्टिकल्स को इंटरचेंज करते हो, फेज पॉइंट को या पार्टिकल को इंटरचेंज करते हो, तो न तो आपकी माइक्रोस्टेट चेंज होती है और न ही मैक्रोस्टेट चेंज होती है। लेकिन आपके पास में दो सेल हैं, दो डिफरेंट सेल हैं, उन दोनों सेलों के अंदर आप पार्टिकल को इंटरचेंज कर देते हो, तो आपकी मैक्रोस्टेट तो चेंज नहीं होती है लेकिन माइक्रोस्टेट चेंज हो जाती है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो,
पहली प्रॉपर्टी तो मैंने, पहला तो प्रॉपर्टी क्या बताई कि ऑल माइक्रो स्टेट, ऑल माइक्रो स्टेट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, ऑल माइक्रो स्टेट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल, आर इक्वली प्रोबेबल, ठीक बात है ना। दूसरी मैंने क्या बात की, इसमें तो आप समझोगे मेरे हिसाब से हैं कि जितने भी माइक्रो स्टेट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है, ठीक बात है ना। दूसरा एग्जांपल आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ये आपके पास में कोई सेल है, इस सेल के अंदर आपने तीन पार्टिकल डाल दिए ए बी सी, आप इनको इंटरचेंज कर देते हो, चलो एक और लेता हूँ, दो सेल हैं यहाँ पर, लिखा मैंने डी, क्या लिखा, डी लिखा, आप इनको इंटरचेंज करके इस प्रकार से लिखो, ये दो सेल हैं, यहाँ कर दिया आपने ए सी बी और डी, तो ध्यान रहे हैं यहाँ माइक्रो स्टेट, देखो इसमें तीन एक हैं तो माइक्रो स्टेट तीन एक हो गई, ठीक बात ना। फिर बाद में मैक्रो स्टेट की बात करूँगा तो इसके अंदर तीन पार्टिकल कौन से हैं, ए बी सी, ठीक बात ना, और इसके अंदर भी तीन पार्टिकल कौन से हैं, ए बी सी, तो मैक्रो स्टेट भी क्या हो गई आपकी, सेम हो गई। यानी जब एक ही सेल के अंदर पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो मैक्रो स्टेट भी चेंज नहीं होती है और माइक्रो स्टेट भी चेंज नहीं होती है। फिर बाद में आप करते हैं टू डिफरेंट सेल, टू डिफरेंट सेल के अंदर आप इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करें, जैसे मान लो ये दो सेल ले ली मैंने, ए बी सी और डी लिखा, फिर बाद में इसको चेंज करके मैं यूं कर देता हूं ए सी या ए बी डी और सी को इधर ले गया, सी और डी को इंटरचेंज किया है, ये जो माइक्रो स्टेट है ये मैक्रो स्टेट है, वो क्या, तीन एक, यानी पहली सेल के अंदर तीन पार्टिकल हैं और सेकंड सेल के अंदर एक पार्टिकल है, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी कितने हैं, तीन एक, यानी मैक्रो स्टेट आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक बात ना। लेकिन ध्यान रहे माइक्रो स्टेट चेंज होती है, मैंने क्या बताया, ये तो है मैक्रो, माइक्रो की जब बात करता हूं तो इस सेल के अंदर ए बी सी पार्टिकल हैं और इस सेल के अंदर ए बी डी पार्टिकल हैं, तो आपके माइक्रो स्टेट क्या होगी, चेंज हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। तो देखो इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज के अंदर दो बात की कि माइक्रो स्टेट है वो किसी एक ही मैक्रो स्टेट से बिलोंग करती है तो उनका क्या होता है, सेम होता है, ऑल माइक्रो स्टेट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट मैक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि किसी एक ही सेल के अंदर इंटरचेंज करते हो तो माइक्रो और मैक्रो दोनों अनचेंज रहती हैं, लेकिन जब दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हो तो मैक्रो तो चेंज नहीं होती, जैसे तीन एक और तीन एक होगी अपनी, ठीक बात ना, लेकिन माइक्रो क्या होगी, चेंज। पता कैसे चला, पता इस प्रकार चला कि इसमें तो ए बी सी है और इसमें ए बी डी है, तो ये आपकी क्या है, चेंज हो चुकी है। फिर देखो अपन बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में आपको समझने में सुविधा होगी। ये लिखा मैंने एग्जांपल, और एग्जांपल की जब बात करता हूँ तो अपन टू सेल ले लेते हैं, टू सेल, एक सेल आई है और एक सेल क्या है, जे है, और इसके अंदर फोर फेज पॉइंट है, फोर फेज पॉइंट है, फेज पॉइंट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, मैं ले रहा हूँ ए बी सी डी, ये डाल रहे हैं, ठीक बात ना। जब सेल को जब लिखता हूँ तो मैं सेल को यूँ डब्बे के रूप में लिखूँगा, ये आई है और इसमें ये क्या है, जे नाम दे दिया, और इसके अंदर है अपन ए बी सी डी, चार फेज पॉइंट हैं वो आपको रखने हैं, ठीक बात ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, संभावना क्या क्या बनती है, पहली संभावना तो ये बनती है कि फर्स्ट के अंदर चार हों, फर्स्ट के अंदर क्या हों, चलो ऐसे लिखता हूँ, पहले जो फर्स्ट संभावना है वो ये है कि ए बी सी डी चारों इसके अंदर हों और इसके अंदर कुछ ना हो, खाली हो, ठीक है ना।
ये तो आपकी मैक्रो स्टेट क्या बन गई, 4-0 बन गई, ठीक बात ना। या फिर इसको ऐसे लिखो, और मैक्रो स्टेट आपकी 4-0 है, और कौन सी है कि पहले में ए बी सी डी और दूसरे में 0, ये होगी आपकी माइक्रो स्टेट। क्या होगी आपकी माइक्रो, और ये क्या होगी आपकी मैक्रो। ध्यान दें डिफरेंस क्या है इसमें, मैक्रो स्टेट आपको ये बताती है कि कितने पार्टिकल है बस, कौन सा कितना, ये आपको नहीं बताती है। माइक्रो आपकी ये बताती है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है, फर्स्ट में कौन सा है और सेकंड में कौन सा है। नंबर टू जब मैं बात करता हूँ, चलो टू को यहाँ लिख देते हैं, टू जब बात करते हैं तो मान लिया कि फर्स्ट सेल के अंदर 3 और दूसरे के अंदर 1 पार्टिकल है, तो लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं कि पहले में ए बी सी और तीसरे में डी, दूसरे में डी, और फिर लिख सकता हूँ पहले में आपका आ जाएगा ए बी डी और ये सी, दूसरे में लिखूँगा तो ये आ सकता है कि ए सी डी और ये बी, और ये आपका आ सकता है कि बी सी डी और ये आपका ए, ठीक बात ना। देखो तीनों के इनकी बात जब करते हैं तो फर्स्ट सेल के अंदर 3 पार्टिकल हैं, फेज पॉइंट हैं, और दूसरे के अंदर है 1 फेज पॉइंट है। 3 कौन कौन से हैं ये यहाँ पर लिखे हैं, ठीक बात है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, ये तो हो गई आपकी माइक्रो, और ये आपकी क्या हो गई मैक्रो, ठीक बात है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ नंबर 3। नंबर 3 में मैं लिख दूँ कि दो दो, दोनों में दो दो हो जाएँ, दोनों में दो दो हो जाएँ, तो आपके आपको प्राप्त हो जाएंगे जैसे मान लो ए बी सी डी, दूसरा हो जाएगा आपका बी सी डी ए, ठीक बात है ना। तीसरा हो जाएगा, मैं इंटरचेंज करूँगा बस, केवल कुछ भी नहीं है, बी सी डी ए, फिर बाद में आ जाएगा सी डी, फिर ए बी, ये आ गया सी डी ए बी, ए बी सी डी इस प्रकार से, फिर बाद में आपका आ जाएगा डी ए बी सी, डी ए बी सी, अगर इसको इधर लेके चला कर ये इंटरचेंज कर दिया, फिर बाद में और कौन कौन सा हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है, एक ये हो सकता है कि ए सी कर दें और बी डी कर दें, ठीक बात ना। एक ये हो सकता है कि ए डी कर दें और ए डी और बी सी कर दें, इस प्रकार टोटल कितनी संभावनाएं होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 होगी। ये आपके माइक्रो स्टेट हैं। सेम ऐसे ही आपका चौथी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि पहले में तो 1 और 3, और पांचवी संभावना ये बनती है कि पहले में 0 और दूसरे में 4, पहले में 0 और दूसरे में कितने हैं, 4 हैं। इसकी एक लिखता हूँ, जैसे पहले में तो आपने डाल दिया ए और दूसरे में बी सी डी, सेम ऐसे और हो जाएंगे ये, ठीक बात ना। इसमें आपका पहले में तो जैसे मान लो कुछ लिखा नहीं, 0 लिखा, और दूसरे में लिख दिया ए बी सी डी, ये लिख दिया, ठीक बात ना। तो इस प्रकार से आप जब देखते हो तो टोटल मैक्रो स्टेट कितने हैं, यहाँ पर टोटल मैक्रो स्टेट 1, 2, 3, 4, 5। मैक्रो स्टेट नंबर फर्स्ट के अंदर टोटल माइक्रो स्टेट कितने हैं, तो फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 माइक्रो स्टेट है, दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 माइक्रो स्टेट हैं, तीसरे की बात करते हैं तो 6 माइक्रो स्टेट हैं, ऐसे अपना चलता रहेगा। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर या फिर इस एग्जाम्पल के अंदर मैक्रो स्टेट तो कितनी है, मैक्रो स्टेट हैं वो तो है 5, वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक बात ना। और माइक्रो स्टेट कितने हैं, माइक्रो स्टेट हैं वो आपकी कितनी होगी, 1, 5, 6, 11, और ये कितने बनेंगे, ये 4 बनेंगे शायद, ये 11, 4, 15 और 1, 16। ये नंबर थोड़ा दोबारा काउंट कर लेना इसमें, ठीक बात है ना। इस प्रकार से आपको क्या होता है, इस प्रकार से माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट प्राप्त होते हैं। ये काउंटिंग थोड़ा दे लेना, सही है क्या अपना, है ना, बाकी प्रोसेस यही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, हाँ एक बात ये और है कि
कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल माइक्रोस्टेट कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबल माइक्रोस्टेट या मैक्रोस्टेट कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल मैक्रोस्टेट कौन सी होगी जिसमें माइक्रोस्टेट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्टेट ज़्यादा किस में थी, 2-2 वाले में थी, 6 माइक्रोस्टेट थी, ठीक बात ना। इस प्रकार से अपन क्या बात करते हैं, ये इनकी बात करते हैं कि किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक। डायनेमिक या डायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के अंदर केवल इतना ही लिखना है किसी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट है, किसी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में जितनी माइक्रोस्टेट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसको नॉर्मली W से डिनोट करते हैं, नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो थोड़ी देर पहले बात की अपन ने, जब W आपका 2-2 था, यानी मैक्रोस्टेट स्टेट थोड़ी देर पहले वाले के अंदर लिखा मैक्रोस्टेट 2-2 से संबंधित जो W है, W यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी आपकी, 6 होगी। कैसे मालूम पड़ा, अरे थोड़ी देर पहले लिखा था अपने जैसे ABCD करके, वो टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आई थी, माइक्रोस्टेट आई थी वहाँ पर 6 आई थी, ठीक बात ना। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था मैक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट मैंने 4-0 लिखा था और 4-0 की संभावना क्या आई थी, ABCD और 0, ये एक ही पॉसिबिलिटी थी। क्रम चेंज करने का कोई महत्व नहीं है, क्रम एक ही सेल के अंदर जब क्रम चेंज करते हैं तो बात की थी कि मैक्रोस्टेट चेंज नहीं होती, माइक्रोस्टेट भी चेंज नहीं होती है, ये प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने कर लिया था। तो आपसे पूछे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो W आप लिखोगे W और कौन सी 4-0, तो इसका एक ही प्रॉबर्टी है, प्रॉबर्टी क्या है, एक ही प्रॉबर्टी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा भी आ सकती है। फिर बाद में देखो ये तो कुछ एक दो पार्टिकल हुए, इन जनरल अपन बात करें, इन जनरल बात करें फॉर कैपिटल एन पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, कैपिटल एन पार्टिकल में से N1 तो कितने हैं, फर्स्ट सेल के अंदर हैं, N2 आपके सेकंड सेल के अंदर हैं, अच्छा ऐसे चलता जाएगा N जो वो nth सेल में है, ठीक बात ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो इस प्रकार से गिवन होगी, W = ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 - फैक्टोरियल N होगा। इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था ना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 थे और उसको 2-2 में डिवाइड किया था, याद हो तो आपका W इस फॉर्मूले से किस प्रकार से आएगा, W = फैक्टोरियल 4 और 2 और 2 = 4 का तो लिखा जाएगा 4, 3, 2, 1 और ये फैक्टोरियल 2 का आएगा 2 और दोबारा फैक्टोरियल 2 का 2, 4 से 4 कैंसिल और ये आ गया 6 आ गया। देखो गौर करो थोड़ी सी बात पे, ये सेम अपने पहले भी फाइंड आउट किया है, तो इस प्रकार से इस सूत्र से फॉर्मूले से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज इस फर्स्ट वीडियो के अंदर आज अपन इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। थैंक यू।